all my beautiful ladies. वैसे तो जब तक मैं vlog डालूंगी तब तक करवा चौथ खत्म हो चुका होगा. But अभी हम करवा चौथ का चांद तो निकल चुका है, बहुत लेट निकला है एंड हम लोग बहुत मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए हम आए हैं. इट्स अ रेस्टोरेंट मेनली फॉर फाइन डाइनिंग इंडियन रेस्टोरेंट. एंड द नेम इज लीफ ऑफ लंदन. ओके, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना हुआ है. तो चलिए देखते हैं, जिस तरीके से नाम इसका सुना है उस तरीके से इसके काम भी है कि नहीं है. और आप लोग देख रहे होंगे मैंने जो ये मेकअप किया है, इस मेकअप की वीडियो हो सकता है आप देख चुके हों या बहुत जल्दी देख लें. तो मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगा, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया. एंड फाइनली आई एम विद माई हस्बैंड, ही इज सिटिंग हेयर एंड यू कांट सी बिकॉज वहाँ पे लाइट नहीं है. सो ही इज विद मी. तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ का मेन्यू और कैसा है रेस्टोरेंट. और इस टाइम हम बैठे हैं 15th फ्लोर. ओके, इस टाइम हम 15th फ्लोर पे बैठे हैं. आप पीछे व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा है. और ये मेरी मेहंदी बहुत अच्छी डार्क रखी हुई है. आई थिंक यू सी दैट बुर्ज खलीफा ओवर देयर. ओके, बुर्ज खलीफा है. सो बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत अमेजिंग है. अगर आप दुबई में रहते हैं या आने वाले हैं दुबई में तो यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा. बाकी इसका रिव्यू मैं आपको आगे चल के देती हूँ वीडियो में. तो चलिए देखते हैं आप क्या है ऑर्डर में फाइनली. क्या है ये? वसाबी पानी पूरी. पानी पूरी? ओह कूल. सो गाइस, प्लेटें तो लग चुकी हैं, अब इंतज़ार है खाने का. यार एक खाना कब आएगा, कितना इंतज़ार करा रहा है. जितना इंतज़ार चांद ने कराया उतना खाना करा रहा है. बहुत भूख लगी है यार, जल्दी आ जा. ये बहुत बढ़िया सा व्यू देख रहे हैं बस हम बैठ के और खाने का इंतज़ार कर रहे हैं. Very costly but the taste is amazing. So अभी हम थोड़ा walk करके जाएंगे taxi लेने के लिए. तो चलिए lift से बाहर निकलते हैं और lift से बाहर निकल के चलते हैं taxi लेने. तो गाइस अभी हम कार में बैठ चुके हैं और दुबई में बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर यू ड्राइव और कुछ ऐसे कार्स मिलती हैं जो कि आप जब तक चलाते हैं तब तक यू हैव टू पे फॉर दैट. और आपको ड्राइवर नहीं मिलता है, यू जस्ट गेट अ कार एंड इफ़ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस देन यू हैव टू ड्राइव इट एट योर ओन रिस्क. सो मेरे हस्बैंड के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो चलाने वाले हैं. सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मेरा बर्थडे है क्या? नहीं, आज मेरा बर्थडे नहीं है. मेरा बर्थडे 16th of October को है. एक्चुअली हम लोग ने ये जस्ट सॉन्ग चला दिया मेरे हस्बैंड ने. हम लोग ने जस्ट एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन काइंड ऑफ करवा चौथ और बर्थडे सेलिब्रेशन काइंड ऑफ किया था. तो इसमें उन्होंने हमें एक इस तरीके से केक टाइप का चॉकलेट दिया था, विच वॉज गुड. और वो पीनट बटर का चॉकलेट था तो अच्छा था, ओके था. मतलब आई डोंट लाइक चॉकलेट्स मच, आई एम नॉट अ स्वीट लवर. मुझे स्वीट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे स्पाइसी फूड्स, चटपटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. क्या आप लोग भी मेरी तरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. और आज के व्लॉग का आइडिया जो था वो मेरे हस्बैंड का था, क्योंकि हम लोग इस तरीके से काफ़ी नई नई जगहों का एक्सपीरियंस करते रहते हैं. नहीं तो ऐसे ही हम बहुत जगहों के एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो
सब सब्सक्राइबर्स को भी एक्सपीरियंस कराओ. तो सब्सक्राइबर्स को भी एक्सपीरियंस कराना चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर अच्छी है, क्या है. तो अभी चलता रहेगा बिकॉज दुबई के जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. नहीं पता चलता है यार, जो यहाँ पे इतने पुराने रह रहे हैं उन लोगों को भी इतनी इजीली यहाँ के रास्ते याद नहीं होते हैं. एक भी कट अगर मिस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चल के आना पड़ता है, चल के इन द सेंस बहुत ज़्यादा ड्राइव करके फिर लेके आना पड़ता है. सो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद बिकॉज मेरे हस्बैंड को मुझे रास्ता बताना है. तो मैं मिलती हूँ घर पहुँच के आपसे. गाइस लुक एट दिस स्मॉल कार, और ये आई थिंक बैटरी वाली कार है ना. हाँ ये बैटरी वाली कार है, देखो कितनी स्मॉल छुटकी सी है, बहुत क्यूट सी है. सो गाइस हम घर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरे बालों की हालत कैसी सी हो गई है और मेरी शक्ल भी कैसी लग रही है. माय गॉड बहुत टायर्डनेस लग रहा है, जबकि कुछ काम ऐसा नहीं किया है. बट एक्चुअली टायर्डनेस एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि एक सुबह से कुछ खाया नहीं था तो इस वजह से पेट में गैस हो गई और उसी की वजह से सर में पेन, बहुत सर अभी तक दुख रहा है. सो आई प्रेफर जब मैं फास्टिंग इस तरह से करवा चौथ का करती हूँ तो रात को मैं कुछ इतना हैवी नहीं खाती हूँ क्योंकि वैसे गैस होती है और हैवी खा लो तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का डर रहता है. तो इसीलिए आई प्रेफर कि मैं थोड़ा लाइट खाऊँ. तो अभी मैं जाके दवाई लेने वाली हूँ, पेन किलर, और फिर ही आई थिंक मुझे नींद आएगी. एंड आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो नेल्स में देख रहे हैं ये टैटूज हैं, स्टिकर्स हैं, ये नेल स्टिकर्स हैं. तो मैंने जीमी से लिए थे और ये नेल स्टिकर्स पहले मुझसे लग नहीं रहे थे, मैंने काफ़ी स्टिकर्स को ख़राब भी कर दिया. देन फाइनली मुझे पता चला कि इसे कैसे यूज़ करते हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये. बट मुझे लग नहीं रहा कि ये ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिन तक टिकने वाला है, बट ठीक है आज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये एक दिन ही चल जाए वही काफ़ी है. सो फ्रेंड्स आप लोग का करवा चौथ कैसा रहा? मेरा करवा चौथ तो बहुत अच्छा रहा. आप बज रहे हैं रात के 12:15 यहाँ पर. तो मेरे पेरेंट्स कल आने वाले हैं दुबई घूमने के लिए. सो आई एम एक्साइटेड बिकॉज ऑब्वियस है पेरेंट्स आ रहे हैं तो हर कोई एक्साइटेड होता ही है. तो सुबह मुझे जल्दी भी उठना है, सब तैयारी करनी है, उन लोग को एयरपोर्ट लेने जाना है और बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं जो मैं उन लोग के साथ बनाने वाली हूँ. सो वेट. सो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को अभी एंड कर रही हूँ. आई होप आप लोग को ये व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिए कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग. मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स. बाय, गुड नाइट.